हेलो दोस्तों, महिमास कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं दो टमाटर से इतने सारा नाश्ता बना के दिखाऊंगी कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने दो टमाटर लिए हैं, उनको हम स्लाइस में कट कर लेंगे, जैसे हम सैलेड में कट करते हैं वैसे हम इसमें कट कर लेंगे। तो टमाटर की स्लाइस थोड़ी थिक ही रहना चाहिए, हमें पतली स्लाइस नहीं कट करनी है। अब मैंने सारे स्लाइस कट कर लिए हैं। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें दो चम्मच ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम उसमें आधा कप दूध डालेंगे। इसके बाद हम एक चम्मच सूजी डालेंगे और हम दो चम्मच बेसन डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, हमें अच्छे से मिक्स करना है इसको। दोस्तों, आप इस रेसिपी को नाश्ते में ज़रूर बनाएं, वैसे तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं और ये झटपट भी बन जाती है। अब हम इसमें एक एग डालेंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबके घर में टमाटर तो रखे ही रहते हैं, इसलिए इस रेसिपी को बनाने में अलग से कुछ सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और हरा धनिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमने एग भी डाला था, एग भी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और कोई लम्स भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। मैंने एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं। अब हम इसको गर्म होने देंगे। अब हम इसमें टमाटर रखेंगे। तो टमाटर की एक एक स्लाइस हमें अलग अलग रखनी है और इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अब हमने सारी स्लाइस रख दी हैं, अब थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद हम इसको पलटाएंगे। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत झटपट बन जाती है और हेल्दी भी है, तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं। अब हमारे टमाटर पक गए हैं, अब हम इनको पलटा देंगे। अब दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद हमने जो बैटर बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं और सबको खिलाएं, इससे पेट भी काफ़ी टाइम तक भरा रहता है। अब हमारे टमाटर दोनों साइड से पक गए हैं, अब हमने जो बैटर बनाया था वो इसमें हम डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। अब हम इसको पकने देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट हो गए हैं, अब हम एक बार चेक कर लेंगे, अगर पक गया होगा तो हम इसको निकाल लेंगे, नहीं पका होगा तो इसको फिर से ढक के हम रख देंगे। तो अभी हमारा बैटर थोड़ा सा ऊपर से गीला है, अभी हम फिर से इसको ढक के पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो नाश्ता बनाया था बिल्कुल पक गया है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं, ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you.